हाय दोस्तों, हम लोग का पास आ गया हीरो का ग्लैमर, फुल सर्विस में दे। इसमें प्रॉब्लम है, बहुत आवाज़ करता है, बॉडी हेडलाइट भी आवाज़ करता है, न्यूट्रल लाइट कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है ना। तो पहले वॉश कर लेते फटाफट से। और दोस्तों, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों बात ज़रूर शेयर कीजिएगा। काहे हम इस चैनल में हर एक चीज़ हम बताए थे, कितना इसका कीमत है, वो पार्ट्स का कितना कीमत है, हम लोग का फिटिंग चार्ज कितना, सारी चीज़ बताए थे। दोस्तों हम भी हाथ लगाए ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों लेके अंदर, पीछे बोला चक्का का जो काम है दोस्तों हो गया बिल्कुल, अभी चक्का फिटिंग हो रहा है। और दोस्तों हम अभी कर देंगे इसका दूसरा काम, ठीक है ना। हेडलाइट में थोड़ा प्रॉब्लम है, देखिए ये न्यूट्रल लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और इसका हेडलाइट भी खुलना पड़ेगा, तो हम चेक करते हैं यहाँ से, पहले देखते हैं जलता कि नहीं है। तो दोस्तों जल गया, इसका मतलब मीटर हम लोग का सही है। अगर यहाँ से नहीं जलता तो दोस्तों 70-80% मीटर खराब हो गया, मीटर का वो न्यूट्रल लाइट, वो फिर सही करने से हो जाता है, मगर हम लोग का एरिया में वैसा मिस्त्री है ही नहीं, ठीक है ना। एक मिस्त्री था, दो चार बना, उसका बाद से उसका दुकान ही बंद हो गया, नहीं करता है काम। तो देखिए ये सही जल रहा है, इसका मतलब इसका जो नीचे वाला स्विच है, न्यूट्रल स्विच नीचे वाला, उसमें प्रॉब्लम है। तो हम लोग फटाफट से खोलते हैं इसको, देखिए इधर से भी जलता है, ठीक है ना। तो इधर का वायरिंग भी सही है, मीटर का न्यूट्रल लाइट भी वो सही है, तो हम लोग को ये खुलना पड़ेगा 10 नंबर टी का मदद से। तो फटाफट से हम लोग खुलते, तो इसका निकालना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा पेशकश से मदद लेते, ज़्यादा चानना नहीं है नहीं तो टूट जाएगा। निकल जा भाई, निकल जा, निकल गया। देखिए कितना कचरा आ गया, इसको तो पहले साफ करना ही पड़ेगा, उसके बाद अंदर में एक स्प्रिंग रहेगा, इसको निकालना पड़ेगा। न्यूट्रल लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, न्यूट्रल स्विच। चलो तो देखिए इधर हम कपड़ा मार लेते, इसको पहले थोड़ा सफाई करते, सीज पेपर मारेंगे। और इसका अंदर एक स्प्रिंग है, उसको निकालना पड़ेगा, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये जो दोस्तों निकाल गया, कहीं जो मेरा हाथ में है ना चंबुक है, कोई अंदर इंजन का अंदर में गया, बोल्ट वोल्ट घुस गया तो निकल जाएगा। तो ये दोनों में टाच होगा, टकराएगा तभी न्यूट्रल लटेगा। तो इसको हम फंसाते हैं अभी, इसका स्प्रिंग थोड़ा खींच के हम बड़ा कर दे, ठीक है ना, थोड़ा ठान के बड़ा कर दे। तो वायरिंग भी यहाँ पे देना होगा, नहीं तो ऑयल लीकेज प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है क्या 90% होगा। हाँ अभी अगर कोई बोलेगा नहीं भाई लीकेज नहीं होगा, तो हम बहस तरह ना करेंगे, आपका मर्जी, मगर देना चाहिए नहीं तो लीकेज करेगा। तो फंस चुके हैं, तो अभी हम 10 नंबर का दोनों बॉल को फंसाते हैं, 10 नंबर दोनों बॉल। कभी कभी हड़बड़ी में हम लोग दोस्तों नाट भी बोलते, एक्चुअली ये बोल्ट होता है। तो फटाफट से टाइट करते, फिर इसको हम फिटिंग करके दिखाती सही हुआ कि नहीं। तो दोस्तों देखो फिर, तो अभी यहाँ पे मेरा एक हाथ में कैमरा है, दूसरा हाथ से एक हाथ का मदद लेते। तो दोस्तों देखे आ गया, न्यूट्रल लाइट आ गया ना, तार खुल दे, न्यूट्रल लाइट गया, तो बिल्कुल सही हो गया। कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रल स्विच भी प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादा दाम नहीं है दोस्तों इसका, 100 रुपया के आसपास दाम है। तो हम लोग फिटिंग करके चार्ज भी लेते 50-60 रुपया। तो एक बंदा हमको कमेंट किया था, मिथुन भाई आपका चार्ज ज़्यादा हो गया था। तो दोस्तों ज़्यादा कहीं नहीं होगा, इसका जो काम है न्यूट्रल स्विच का काम बिल्कुल सक्सेस। तो चार्ज ज़्यादा कहीं नहीं होगा दोस्त, हम ओरिजिनल सामान डालते, चार्ज नहीं देगा तो नहीं पोसाएगा दोस्त। ₹4 डिस्काउंट तो कैसा मिलेगा, इसमें हम लोग पूंजी फंसाते, मतलब पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर 50-60 रुपया अगर मजदूरी नहीं लेंगे दोस्त, नहीं पुसाएगा हम लोग को। तो ये भाईजार भी आवाज़ था, ये भाईजार भी हम लोग सही कर देते। और मेरा आदमी अभी टैंक फंसा रहा है, अभी फटाफट से हम लोग टैंक पैनल सीट फंसा लेते, गाड़ी हो गया कम्प्लीट सर्विस। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा बैकलाइट बल्ब खराब हो गया, देखिए ये काला हो गया, इसका मतलब काट गया, एक पॉइंट जलता है। तो अभी मेरा आदमी गया बल्ब लाने के लिए अंदर। तो दोस्तों बिल्कुल सही, लाइट उट सेल्फ उट हर चीज़ सही है, मेरा बंदा भी बैक लाइट बल्ब लगाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों ये गाड़ी सर्विस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, टांच चेन उन हर चीज़ मिला दे, पुलिस भी मार दे। तो दोस्तों देखे बैक लाइट भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल टांच, ब्रेक मारने पे भी जलता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो दोस्तों बैकलाइट बल्ब का 30 रुपया, हम लोग का सर्विस चार्ज 250 मतलब 250 रुपया, और इंजन ऑयल कैस्ट्रोल का डाले 900 ml वाला, मेरे पास 1 लीटर फिलहाल आई नहीं अवेलेबल, 900 वाला डाल दे 400 और 250 रुपया 30 रुपया, इतना ही बिल हो गया, 250 मेरा सर्विस चार्ज है। तो दोस्तों